सर, यात्रा का मकसद बिल्कुल फर्क है। इस यात्रा का किसी चुनाव से, किसी राजनीति से कोई संबंध नहीं। राहुल गांधी जी ने मुद्दे रखे हैं देश को जोड़ने वाले, जो विघटन शक्तियां हैं, जिस तरह आज की सरकार काम कर रही है, उनके नारे काम कर रहे हैं, उनकी जो वो है द्वेष भावना है वो काम कर रही है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी की यात्रा है। इसका राजनीति या किसी चुनाव से कोई संबंध नहीं। मैंने अभी ये बताया बहुत साफ तौर पे, यात्रा को चुनाव से बिल्कुल ना जोड़े सर। यात्रा का मकसद बिल्कुल देश का मकसद है। अब चुनाव के लिए कह रहे हैं आप सर, वो अभी ये बात कीजिए ना, वो ये सोच रहे हैं कि चुनाव के लिए आए सर। आप ये कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि इस यात्रा का उस चुनाव से, किसी भी चुनाव से कोई संबंध नहीं है। ये देश की यात्रा है, बहुत बड़े मकसद से की जा रही है। जब चुनाव के बारे में बात करेंगे तो जिस दिन जयराम रमेश जी नहीं होंगे उस दिन मैं करूंगा आपसे बात। लेकिन ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ये राजनीतिक पार्टी की यात्रा है, राजनीतिक मकसद है, पर ये चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। इसका क्या 2024 के चुनाव में असर होगा वो संगठन पर निर्भर करता है। अगर संगठन में एकता है, अगर संगठन में एकजुटता है, अगर संगठन सक्रिय है, तो हम उम्मीद करते हैं भारत जोड़ो यात्रा का एक नतीजा होगा वो 2024 और उसके पहले जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में अगले साल, उसमें भी असर हो सकता है। पर हमने भारत जोड़ो यात्रा इस मकसद से नहीं निकाला कि हम चुनावी प्रचार इस यात्रा में करें।